Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. In the figure, PQ is equal to 24 centimeter. QR is equal to 7 centimeter. PQR is equal to 90 degree. आराम से हम लोग PR निकाल सकते हैं. तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि PQ का होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर. कैसे? पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहता है. दूसरी बात, हमें दिया हुआ है गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी कर सकते हैं हम लोग. तो PQ कितना है? 24 स्क्वायर. और ये कितना है? 7. तो PR कितना हो जाएगा? तो ये तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है. PR हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. आप चाहें तो इसका स्क्वायर करिए, ये आएगा 484. और इसका स्क्वायर करिए आएगा 49. और आप सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625. फिर आ जाएगा 25. बट ये सब आप बहुत बच्चों वाला ही आप कर लेंगे. अब PR हमने 25 अगर निकाल लिया है तो उसको यहां पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर. हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं ए, बी और सी, यहां सी हाइपोटेन्यूस है, तो उसका जो इन रेडियस है या फिर इन सर्कल का रेडियस है वो आएगा इन सर्कल या इन रेडियस ही लिख देते हैं, इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ए बी सी, ए विद साइड्स ए एंड बी एंड हाइपोटेन्यूज C is given by, कैसे पता चलेगा उसका फॉर्मूला क्या है? X is equal to A plus B minus C divided by 2. अरे यहां पे A और B में इंटरचेंज भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइपोटेन्यूज पक्का C होना चाहिए. यहां पे हमें X निकालना था तो X ही नाम रखा है. अब ए बी सी नए नाम है तो वही पी क्यू आर के नाम है, है ना. ए है क्यू पी का नाम, बी है क्यू आर का नाम और सी है पी आर का नाम. तो वही इज इक्वल टू मैंने लिख ही दिया है. आप यहां पे लिख दीजिए 24, बी में लिख दीजिए कितना 7, इसमें लिख दीजिए 25 2. तो 24 माइनस 25 माइनस 1, 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 3. बस आगे अपना x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. इतना क्योंकि यहां पर कहीं पे प्रूफ करने के लिए नहीं दिया हुआ है, मैं तो बोलूंगा कि कितने भी मार्क्स का आ जाए अगर आप ये लाइन लिख देते हैं तो मतलब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, नीचे जाकर देख लीजिए. एक क्वेश्चन है इसी प्लेलिस्ट में, उसमें यही प्रूफ किया गया है. वहां पे एक्स नहीं लिखा गया, वहां पे आर लिखा गया, कोई विशेष बात नहीं है. तो प्लीज जरूर जाकर देखिए उसे. ये सवाल तो हो गया. In the figure, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. जो छोटा वाला होगा
वो 3 सेंटीमीटर का होगा, जो बड़ा वाला है वो 5 सेंटीमीटर। हमेशा के लिए, हमेशा की तरह सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम है ओ। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स आर ड्रॉन पी ए एंड पी बी एंड ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड बी पी। तो आसान है, देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। ओपी अगर 13 है तो ये 3 है और ये 13 है, तो 3 स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बी पी स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 9, बी पी हो जाएगा अंडर रूट 160, है ना। और अगर आप चाहें तो इसको 4 × 4 × 10 लिख सकते हैं, यानी कि ये 4√10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्विक मेथड। स्कूल लेवल अप्रोच से करते हैं अब। इन द फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो सारा चीजें लिख चुके हैं हम लोग। यहां पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, एपी हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीपी हमें फाइंड आउट करना है। तो बीपी को बस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बीपी यहां पर अननोन क्वांटिटी है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये एक कॉमन साइड है ना। तो कॉमन साइड अगर जो है पहले उसे कैलकुलेट कर दें, यहां पाइथागोरस लगाकर इसे कैलकुलेट कर देंगे। तो कॉमन साइड चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओएपी, ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि OA तो हमें 5 पता ही है, AP हमें 12 पता है और OP हम कैलकुलेट कर लें, उसी OP का सहारा हम बाद में BP को कैलकुलेट करने में लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया 25, ये हो गया 144। वैसे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बच्चों को ये सब याद होना चाहिए। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 169, OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। OP 13 सेंटीमीटर है जब, तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। OP निकाल लिया, ये कोई आंसर नहीं है, लेकिन अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल OBP में। इन ट्रायंगल OBP फिर से भाई कुछ अच्छा, यहां पे पाइथागोरस का यूज किया हम लोगों ने, यहां पे आपको पाइथागोरस लिखना चाहिए, लिख देता हूं छोटा सा, ठीक है। ये लाइन लिखते ही आपको यूजिंग पाइथागोरस लिखना चाहिए। अच्छा, अब इधर पे कर लेते हैं, ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ठीक है। तो ओबी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना, और बीपी नहीं पता है, वही कैलकुलेट करना है, और ओपी आ जा रहा है 13 स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 13² - 3² ठीक है भाई। बीपी इज इक्वल टू 169 ही हो गया, ये 9 हो गया, 169 में से 9 गया 160। So, BP स्क्वायर ये रहा। अब BP इज इक्वल टू अंडर रूट 160, अंडर रूट 160 है, तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 4√10, है ना। 4 4 16 × 10 ऐसे बन रहा था, तो 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया,
ये अपना 4√10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही होगी, लेंथ तो हमेशा सेंटीमीटर में, बाकी डायमेंशन है इसलिए वो भी सेंटीमीटर में आ रही है। सो दिस इज डन।